गुड मॉर्निंग क्लास फोर, दिस इज अवर मॉरल साइंस क्लास। वी आर ऑन चैप्टर नंबर टू, दिस इज अ सेकेंड चैप्टर, ट्रू आर्चर अर्जुना। आर्चर मीन्स क्या होता है? ट्रू मीन्स तो तुम लोग जानते ही हो, है ना, सच्चा, है ना। आर्चर मीन्स तीरंदाज, तीर चलाने वाला जो होता है वो उसे आर्चर कहते हैं। अर्जुन के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा, सुना ही है। तो आज हम लोग अर्जुन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, द ट्रू आर्चर अर्जुना, है ना, सच्चा तीरंदाज अर्जुन। द फेमस गुरु द्रोणाचार्य वॉज विद हीज रॉयल डिसिपल्स वन मॉर्निंग। एक सुबह जो है, फेमस गुरु द्रोणाचार्य के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, है ना, ये सबके गुरु थे ना, उन्होंने ही सिखाया है सबको तीरंदाजी एंड बहुत सारी चीज़ें। तो एक सुबह जो है, वन मॉर्निंग, वो अपने रॉयल डिसिपल्स के साथ थे। विद हिज रॉयल डिसिपल्स माने कि जो उनके शाही शिष्य हैं उनके साथ थे। ही टुक देम टू आर डेंस फॉरेस्ट, वो उन्हें एक घने जंगल में ले गए। ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, जंगल में पहुंचने पर गुरु द्रोणाचार्य सेड, उन्होंने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आई हैव बीन टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आर्चरी फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। मैंने जो है तुम्हें ये सिखाया, टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आर्चरी, आर्चरी का वो सिखाया, है ना, मतलब कि तीरंदाजी हमने तुम्हें सिखाई। जो पिछले कुछ महीने गए उसमें मैंने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर स्किल्स टूडे, आज मैं तुम्हारी जो है हुनर को टेस्ट करना चाहता हूँ। देन ही इंडिकेट्स टूवर्ड्स अ ट्री एंड सेड, तब उन्होंने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए, दिखाते हुए कहा, एंड सेड, आई हैव हैंग अ ब्यूटिफुल वुडन बर्ड ऑन द मैंगो ट्री। मैंने जो है एक ब्यूटिफुल लकड़ी की बर्ड जो है, वुडन बर्ड है, उसको मैंने यहाँ मैंगो ट्री पर टांग दिया है। द वन हु हिट्स द आई ऑफ द बर्ड इट्स माई ट्रू डिसिपल, जो कोई इस बर्ड, मतलब उनके तो बहुत सारे शिष्य थे ना, जो कोई इस लकड़ी की बर्ड की आँखों पे वो हिट कर लेगा, मार लेगा, तीर चला लेगा, वही मेरा ट्रू डिसिपल होगा, सच्चा शिष्य होगा। हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ गुरु ऑफ द गुरु द रॉयल डिसिपल्स गॉट एक्सट्रीमली वरीड। अब ये बात सुनने के बाद जो है, जो उनके डिसिपल्स थे, शिष्य जो थे, वो लोग क्या हुए, बेहद चिंतित हो गए, एक्सट्रीमली वरीड हो गए, चिंतित हो गए। इट वॉज रियली वेरी टफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। द गुरु आस्क्ड एवरी वन ऑफ देम टू टेक हिज पोजिशन विद हिज बो एंड एरो। गुरु ने कहा कि सबको बोला कि अपनी अपनी पोजिशंस ले लो, अपने धनुष और तीर धनुष के साथ, है ना। बो एंड एरो इंडिकेट एट द वुडन बर्ड, और वुडन बर्ड पे निशाना लगाओ। नाउ ही आस्क दुर्योधन, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, कौरव जो थे उनमें जो सबसे बड़ा, ही आस्क दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, कौरव के जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, जो सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, गुरु जी ने उनसे कहा सबसे पहले, व्हाट डू यू सी दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है दुर्योधन। गुरु जी, आई सी द ग्रीन लीव्स, मुझे मतलब ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, हरी हरी वो दिख पत्तियाँ दिख रही हैं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की ब्रांचेस दिख रही हैं, एंड द सन रेज फॉलिंग ऑन देम, और उस पर गिरती हुई सूरज की किरणें दिख रही हैं। आई सी द बर्ड टू, मुझे बर्ड भी दिख रही है, इट्स फीदर्स, उसके पंख, लेग्स एंड बीक, रिप्लाइड दुर्योधन। दुर्योधन ने ये सब बताया कि मुझे ये सब दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य स्माइल एंड सेड, उन्होंने हंसा और बोले, यू कैन नॉट हिट द आई ऑफ द बर्ड,
यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ यू गो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तुम जो हो। ये बर्ड की आंखों पर हिट नहीं कर सकते। नाउ यू गो, अब तुम जाओ। आफ्टर दिस द ग्रुप टर्न टूवर्ड्स द इल्डेस्ट ऑफ द पांडवास। अब उन्होंने पांडवों में से जो सबसे बड़ा था उनको बुलाया, युधिष्ठिर, एंड आस्क्ड हिम, व्हाट डू यू सी माय डियर, मेरे प्यारे तुम क्या देख रहे हो। एट दिस द वाइस इल्डेस्ट पांडवा रिप्लाइड, जो पांडवा जो थे उन्होंने रिप्लाई किया, आई सी द ट्री, मुझे पेड़ दिख रहा है, इट्स थिक बार्क, और उसकी जो है मोटी छाले दिख रही हैं, द कर्वी एंड थिक ब्रांचेज, और उसकी टेढ़ी मेढ़ी और मोटी मोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, डाले माने, द ग्रीन लीव्स एंड द वुडन बर्ड, ग्रीन पत्तियाँ दिख रही हैं और वुडन बर्ड दिख रही है, आई सी इट हैज़ अ प्रोमिनेंट आई एंड अ पॉइंटेड बीक, मुझे एक मुख्य उसकी आँखें भी दिख रही हैं और पॉइंटेड बीक भी दिख रही है, माने एकदम नुकीली चोंच भी दिख रही है। द गुरु आंसर्ड वेरी सैडली, गुरु ने बहुत सैडली जो है आंसर दिया, यू टू कैन नॉट हिट द बर्ड्स आई, तुम भी बर्ड्स की आई पर निशान आँखों पर निशाना नहीं लगा सकते हो। टर्न द पेज, लाइक दिस, पहले वालों की तरह तुम भी बर्ड पर निशाना नहीं लगा सकते। वन बाय वन द गुरु कॉल्ड ऑल ऑफ हिज डिसिपल्स एंड रिपीटली आस्क एवरी वन ऑफ देम द सेम क्वेश्चंस, एक एक करके सबको उन्होंने बुलाना शुरू किया, अपने सारे शिष्यों को, और सबसे वो यही क्वेश्चन करते गए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो रीड इट अगेन एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय क्लास।